सीधे जकड़ी प्रतियोगिता का दूसरा दौर जारी है। सभी कलाकार एक से एक नौले पर दहला है। मैं तो बाबा साहब उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत गाना बजाना सीखा है और यहां अभी मुझे पता चला कि बहुत अच्छे कलाकार, बहुत पुराने कलाकार, शायद मैंने भी उनके साथ में कई बार गाया है, राजेंद्र जी यहां आए हुए हैं। जब मैं गांव से चले तो अंकल जी पूछे, बेटा कहां जा रही? मैं कोड़ेर गावे जा रहा हूं, 3 साल से बड़वाई फोन आया हो, इनाम की परवाह ना है पर जाके जरूर आऊंगा। हो बने पता है कोड़ेर गांव में बड़े बड़े पहलवान और ऐसे बहे, सारे पहलवान, गिल्ला पहलवान, बड़ा जोश और होश था उन लोगों में। लेकिन बाबा साहब जिकड़ी भी जोश की हो, वीर रस की रोए भावना हो, करके विष का प्याला पिलवाया तो कई कई बार हंसा करके फिर बारही बार रुलाया तो क्यों। अजी जब मन में मोह नहीं रखते तो मन मोहन नाम धराया तो जिस चीज में उतर जाओ रुकना नहीं है। गाओ तो जम के गाओ ना तो बिल्कुल ही मत गाओ। लिखा भैया क्या आज लोभ ना छोड़ा मोह ना छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के धन देने फंस गए, दुनिया के धन दे में फंस गए, हरि से नाता तोड़ दिया। भजन करूंगा मैं तेरा, अजी बाहर आके करने लगा है मैं तेरा और तू मेरा। और क्या दुनिया के धंधे में फंस गए, दुनिया के धंधे में फंस गए, प्रभु से ली एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया। 12 साल को बालक जाकू वन में घूमत पाया है और प्यास में जाके अर्जुन ने बात छोरा ते बचन सुनाया है। कैसे डोले या बन खंडन में अर्जुन उस बच्चे के पास में जाता है और कहता है, कैसे डोले या बन खंडन में बेटा तेरे मन की बात सुना दे और लाला तू अपना पूरो पतो। बच्चे इस बियाबान जंगल में क्या कर रहा है? इस बियाबान जंगल में नरभक्षी जानवर रहते हैं। आपका क्या काम है जो आप भटक रहे हो? आदरणीय बंधुओ, वो छोटा सा बच्चा अर्जुन के चेहरे की तरफ देखता है और अर्जुन से बाबा साहब क्या जवाब देने लगा, क्या बताए भैया?
सरदारी ये पुरस्कार से सम्मानित कर रही है, बार बार आभार प्रकट करता हूं। सुनिएगा साहब। अरे एक हसनापुरी को भी हुक्का मारो, छोटा सा बच्चा कहने लगा बताऊं उस अर्जुन से क्या करना है मुझे। अरे एक हसनापुरी को वीर बड़ो रणधीर भीम को सो भैया और नित बांधे तरक सतीर तो पीरा लाला भैया। देखो मैंने तो शुद्ध गावो इसी को बाबा साहब लाग लगा बना शुद्ध जगड़ी सुनिएगा बस। अरे पड़ पड़ पे कलयुग ढोल है। क्या बात है भाई उपेंद्र। अरे पड़ पड़ पे कलयुग ढोल है सतयुग पाम धरे कैसे। अरे पड़ पड़ पे कलयुग ढोल है सतयुग पाम धरे कैसे। तो चिकड़ी में भी होता है और कैसे लिखा भैया क्या होता है। सुनिएगा साहब। इतनी सुन के अर्जुन बोलो, बच्चे ने कहा भैया एक वीर है जिसने महाभारत को जीता है, हस्तिनापुर का रहने वाला है और भीम का भाई है, उस अर्जुन से मुझको मिलना है, मैं उस अर्जुन की तलाश कर रहा हूं इस बियाबान जंगल में। अर्जुन कहने लगा बच्चे इतनी सुन के अर्जुन बोलो, बालक से लब्ज सुनाई है पर भी बहुत देर से पूछ रहे हो ना इतने तेरे मन की बात आई है, तेरी कोरी बातन से मेरे कैसे हियो भरेगा। और बेटा तू वह अर्जुन को कहा बच्चे तू उस अर्जुन का करेगा क्या। बच्चा कहने लगा बताऊं
चारो है। और बाबा बाप बालक ने बचन उचारो है। वो जो हाथ करंग अर्जुन से वो पीरा बड़ो मत मुझको मल्ल युद्ध करना है। गांडीवधारी अर्जुन ने सुना, बच्चे तेरी उम्र ही क्या है, तेरी औकात ही क्या है और अर्जुन के बारे में पूछने की? जवाब दिया, इतनी सुन के अर्जुन बोलो, अर्जुन ने बहुत सारी बात सुनी, इतनी सुन के अर्जुन बोलो, दमनाए दिखे तेरी बातन में, और अर्जुन ते कैसे युद्ध करेगा हथियार ना तेरे बातन में। अर्जुन वीर कहे सब मोते, मैं ही महाभारत अजित भैया और बेटा कुंती खास लगे मेरी। तू जिस अर्जुन की तलाश कर रहा है ना, उसको गांडीवधारी अर्जुन मुझको ही कहते हैं। छोटा सा बच्चा देखने लगा बड़े आश्चर्य से, पर आप ही वो अर्जुन हो? नहीं, आप अर्जुन नहीं हो सकते। प्रिय बंधुओं, उस छोटे से बच्चे ने क्या रीजन दिया, क्या कारण दिया और अर्जुन को बिल्कुल नकार दिया, और क्या बताया भैया? देखो जिकड़ी जो गाबा हुए बाबा, जो उसको गाबा हुए। अरे पीरा भैया ऐसे नहीं डोले अर्जुन भी, गाना सुना दे भैया। गाना सुनिए साहब। बलवेश चौधरी तैयार रहे।
बिलवेश चौधरी अपने नंबर पे आवे, बिलवेश चौधरी को नंबर है अब। देखो टाइम का अभाव जरूर है, गाना क्या है, जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था बाबा साहब, एक एक चीज बिल्कुल जो मान लीजिए मुनिया सी बजाई, तो माता केकई ने सोचा सुबह राजा रामचंद्र बन जाएंगे, लेकिन सरदार तुम सब बात जाने समाज में एक पगड़ी ऐसी हो जो पूरे गांव की इज्जत रखे, राजा जब ही बने जब खानदानी मुकुट पहनाया जाता है, वाणी वो रघु वंश का जो मुकुट है वो तो है ही नहीं अयोध्या में, तो राम राजा कैसे बन जाएगा। भगवान श्री राम अपनी तैयारी में लग रहे थे, माता केकई उनके पास जाती हैं और उपेंद्र क्या शब्द कहे और क्या जवाब दिया, क्या लिखा बेटा, अरे पहले मुकट छुड़ाए ला अपनो अपनो अपनो, ध्यान देना बाबा साहब गाने पे, अरे पहले मुकट छुड़ाए ला अपनो पीछे देखा राजा को अपनो, पहले मुकट छुड़ाया अपनो पीछे देखा राजा को, अरे क्या कई बोली बेटा मेरे बात पत्ते की खोलूंगी, अरे एक के कई बोली बेटा मेरे बात पते की खोलूंगी, तुमसे प्यारा और न कोई झूठ कभी ना बोलूंगी, तेरी खातिर बेटा चाहे मैं तर तर पे ये डोलूंगी, कैसे लियो मुकट वाली ने राज आज में खोलूंगी, के द्वारा गा रहा हूं, प्रथम बार मेरे जीवन में मैंने बाबा साहब खुले दंगल ने बहुत गाया, क्या जवाब दिया बेटा, पंपापुर पर अंधेरा छा गया, एक बगीचा देख करके रथ को रोक लिया गया,
बाली का एक दूत जाता है बाली के पास, कहा महाराज बगीचे में कोई राहगीर आके रुका है। बाली ने कहा जाइए और हमारा मैसेज दे दीजिए, हमारी पहली शर्त क्या है उसके लिए। और क्या लिखा भैया, क्या बात है पंडित, चौधरी आ जाए जल्दी। मंत्री ने कहा कोई दूसरा मैसेज लेके आए हो क्या, कोई दूसरा ऑफर है? हाँ एक ऑफर और है, क्या लिखा भैया पिंदर? अरे मंत्री बोलो राजा से, तुम राजी कैसे है जाओ, रानी तुमकू प्यारी है तो मूछ काट गई, रानी तुमकू प्यारी है तो मूछ काट के दे जाओ। तीजी शरत सुनी बाली की, ऑफर नंबर तीन आया है। अरे तीजी शरत सुनी बाली की, समझ भूप के आई है, तीजी शरत सुनी बाली की, समझ भूप के आई है। हरी कहे नानू को जाने दिलो मुकद,